तो हम जो है वो लॉगिन देख रहे थे। लॉगिन के अंदर जो है वो हमने फॉर्म जो है इम्प्लीमेंट कर दिया था, मेथड हमने पोस्ट रखा है, ठीक है। और मेथड को अगर हम बाद में जो है वो पोस्ट कर लेंगे, अभी मैं गेट करवा देता हूँ फिलहाल, ताकि जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग से डाटा मूव ऑन होता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारा जो है वो फॉर्म हो गया रेडी। और अब जो है वो हमने फर्दर मोर ये काम करना है कि PHP को स्टार्ट कर लेना। अच्छा, एक्शन यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट तरीन एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, एक्शन को हम लिख लेते हैं। आईडी हमें नहीं चाहिए होती, ना फॉर्म में जो है वो हमें नेम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्शन बना देता हूँ। एक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी फॉर्म से वैल्यू सबमिट होगी वो कहाँ जाएगी, तो उसी पेज पे आनी चाहिए। तो हमारे पास है अभी फ़िलहाल है लॉगिन का ये पेज। हमारा वैसे दूसरा पेज होता है, डैशबोर्ड हो जाता है, या जो है वो हमारा डैशबोर्ड के अलावा प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स का पेज होता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, मैं सही कर देता हूँ भी। तो login login.php सही हो गया, और गेट मेथड लगा दिया। यहाँ तक हमारा फॉर्म जो हो गया वो हो गया सही, और इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद जो है अब फॉर्म से वैल्यू सबमिट होगी, तो वही हमारी कंडीशन बनेगी इफ़, और सबमिट बटन का ब्लॉक बन जाएगा हमारा कि इस वाले ब्लॉक के अंदर आ जाए, और सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो फिर हमारी अप्लाई होगी। हम लिखेंगे इस सेट, बुलियन ऑपरेटर ट्रू देगा कि सबमिट बटन के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, बटन पर क्लिक हो गया। तो अब यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है वो लगता है, और इसके अंदर जो है सबमिट बटन के नेम को हम कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका ये मकसद हुआ कि सबमिट बटन पर क्लिक हो तो इस वाली इफ़ की कंडीशन में आ जाओ। अब यहाँ पर हमारे फॉर्म की फील्ड्स का जो भी डाटा होता है उसको हमने कॉल कर माना होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ठीक है, सिंगल कोड इस तरीके से। इसी को हम कर लेंगे कॉपी, ईमेल आ जाएगा, और इसी का हम बना देंगे वेरिएबल डॉलर करके कंट्रोल वी, और इज इक्वल टू, मुझे कॉपी करना पड़ता है, कीबोर्ड ख़राब है। तो अब यहाँ पर जो हमारी फील्ड का डाटा जो है वो आ जाएगा बेसिकली। इसी तरीके से हमें पासवर्ड का डाटा जो है वो चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर कर लेंगे बेस्ट। नेम इसका हम सही करवा देते हैं, पास कर देते हैं, क्योंकि पासवर्ड नेम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी, और यहाँ पर हमने करवा दिया इसी को पेस्ट, और इसी का जो है वो हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। कंट्रोल बी, इसको करवा दिया सेव। अब होगा ये कि वहाँ से जो भी बंदा अपना ईमेल और पासवर्ड लिखेगा वो इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा, अब हमारा डेटाबेस के अंदर रजिस्टर होके ईमेल और पासवर्ड जा चुका है यूज़र का। तो हमारे पास सेकंड थर्ड ऑपरेशन होता है सेलेक्ट की क्यूरी। सेलेक्ट की क्यूरी क्या काम करती है, आपको डाटा शो करवाती है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर डाटा को कॉल करवाना है। अभी फ़िलहाल हम इसको शो करेंगे, और जब हमारे पास शो हो जाएगा फिर हम इसको प्रिंट नहीं करते, उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमारा डाटा मिल जाए या शो हो जाए तो उसको रीडायरेक्ट कर दो लॉगिन के पेज पे, या डैशबोर्ड के पेज पे, या जो है वो आपका इंडेक्स का पेज है उसके ऊपर जो है वो क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो। तो ज़्यादातर जो है वो हमारा इंडेक्स का पेज होता है, लॉगिन का पेज अलग होता है, इंडेक्स का पेज जो होता है वो फर्स्ट पेज होता है। तो साइन इन होने के बाद जो है वो हम अपने फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं, फिर हम वहाँ पर जो है सेशन को यूज़ करते हुए जो यूज़र का ईमेल नेम होता है जो टॉप पर आ रहा होता है, वेलकम करके उसका नेम लिखा हुआ होता है, या वेलकम उसका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो वो फिर हम सेशन जो नेक्स्ट हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने तीन पढ़े, डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर गेट। तो ये तीन सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैं। फिर हम हमारा सेशन भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है, और कुकी भी जो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो फिर हम सेशन और कुकीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो सेशन किस तरीके से काम करता है फिर ये मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी सिंपल फ़िलहाल अपने ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर सबसे पहले बनेगा कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाने का तरीका वही है जो अभी मैंने बनाया था, MySQLi_connect, SQLi_connect का मेथड होता है फंक्शन, ब्लू हो गया सही लिखा है हमने, ठीक है। इसमें से चार पैरामीटर पास होते हैं, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब मैं लिख दूँगा अपना डोमेन नेम, हम लोकल सर्वर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नेम, सॉरी डेटाबेस यूज़र का नेम होता है रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, और यहाँ पर हमारा जो है वो डेटाबेस नेम आ जाएगा एपटेक। तो एपटेक हमारा ए कैपिटल है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा एपटेक है वो स्मॉल में है, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको लिख देंगे एपटेक, और इसी का एक वेरिएबल बन जाएगा, इस पूरे मेथड की वैल्यू जो है उसको असाइन हो जाएगी डॉलर कॉन के नाम से। कनेक्शन जो है वो हमारा बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं कॉपी, और कनेक्शन में यहाँ पर करवा देते हैं इक्वल टू पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, सेव करवा दिया। तो यहाँ तक जो है वो हमारा फर्स्ट वर्क कंप्लीट हो गया, हमारा कनेक्शन बन गया। अब सेकंड हमारा जो तरीक़ेकार होता है वो होता है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी का मेथड, क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी। ये भी ब्लू हो गया, सही लिख लिया। अब इसमें से दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला आपका कनेक्शन का होता है जो कि हमने बना लिया, वो इसमें से पास हो गया। अब दूसरा जो है वो हमारा क्यूरी का वेरिएबल पास होता है, डॉलर क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी हमने लिख दिया। क्यूरी को जो है हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी इज़ इक्वल टू, और डबल कोटेशन आ जाएगी हमारी, और इसको हम क्यूरी को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम अपने एनालाइजर में जाएंगे, सही है, और एनालाइजर में यहाँ पर हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट लॉगिन करेगा, तो इसके ही एसक्यूएल पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो है वो हम अपनी सेलेक्ट की क्यूरी इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो तमाम कॉलम्स आ रहे हैं, और दूसरी हमारे पास होती है स्टेरिक के साथ, तो हम स्टेरिक वाली जो है वो कॉल नहीं करवाते, हम ये वाली ले लेते हैं, ताकि इसके अंदर जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है वो स्पेसिफिक कॉलम चाहिए हमें। अब यहाँ पर जो है मैंने क्यूरी को करवा दिया पेस्ट, सही है। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी हमें नहीं चाहिए, हमें ईमेल और पासवर्ड की, पासवर्ड के कॉलम चाहिए, तो हम इनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ईमेल और पासवर्ड का कॉलम आ जाएगा, बस ये दो फील्ड से रिलेटेड हमें चाहिए डेटा अभी फ़िलहाल, तो ये आ जाएगा। और वेयर, वेयर वन का मतलब होता है कि तमाम के तमाम यूज़र का डाटा जो है वो उठा के ले आओ। तो अब जब हम साइन इन करेंगे तो यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास तमाम यूज़र का जो डाटा है वो आना चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और इसको चेक कर लेते हैं एनालाइजर में कि ये हमारे पास तमाम यूज़र का डाटा भी शो कर रही है। अगर मैं इसको ऐसे भी चला दूंगा तब भी ये शो करेगी, लिहाजा अगर मैं दो कॉलम के हिसाब से चला दूंगा तो फिर दो कॉलम का डाटा पूरा शो होगा, सही है। तो यहाँ पर जो है मेरे पास तमाम ईमेल और पासवर्ड जो है वो आने चाहिए यूज़र के, और इसी तरीके से जो फिर हम क्या करते हैं साइन इन करवाते हैं, तो तमाम यूज़र का डाटा जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो सही नहीं है। अब हम क्या, वेयर के आगे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे कि यूज़र जो अपना ईमेल एड्रेस डालेगा वो इसमें से मैच हो, कि भाई इतने इतने ढेर सारे जो हमारे पास ईमेल आ रहे हैं वो सारे हमें नहीं चाहिए, हमारा जो फॉर्म से स्पेसिफिक यूज़र का जो भी ईमेल एड्रेस आ रहा है अगर वो रजिस्टर है और हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से वो क्या जाएगा, उससे मैच होने के लिए जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ये कर देंगे वेयर ईमेल स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल, सही है। तो इस पर हमने लगा दिया एग्जीक्यूटेबल एस टी यू अंडरस्कोर ईमेल, और फिर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, सही है, इज इक्वल टू मैं अभी लगाता हूँ, और फिर सिंगल कोटेशन में हमारा आ जाएगा वेरिएबल, तो डॉलर ईमेल इधर वेरिएबल आ जाएगा, सही है। तो अब हमने जो है वो इज इक्वल टू कॉपी करके लगा देना है, जो भी इनपुट फील्ड के अंदर क्या होगा ईमेल एड्रेस डाला, फर्स्ट कर लें यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस रजिस्टर है, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और पासवर्ड डाला, सबमिट कराया, यहाँ पर मेरा ईमेल एड्रेस आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। अब जब मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ जाएगा तो फिर वेयर की कंडीशन से वो डेटाबेस के अंदर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, और अगर उसको मेरा वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मैच कर जाएगा तो फिर ये मुझे जो है वो साइन इन करवा देगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा वर्क चलेगा।
तो अब यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड भी आएगा, सही है। तो हम लिख देंगे एंड बुलियन, और यहाँ पर जब हम अपने पासवर्ड के कॉलम को लिख लेंगे stu_pass pass इज इक्वल टू डॉलर पास, सही है, इज इक्वल टू मैं अभी लिख लूँगा। तो यहाँ हम कर देते हैं डॉलर पास, सही है। तो यहाँ तक जो हमारी क्यूरी जो है वो पूरी सही हो गई है। मैंने इसको किया सेलेक्ट, कॉपी किया, और कॉपी करवाने के बाद इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट। तो अब मेरी क्यूरी परफॉर्म हो जाएगी और क्यूरी फिर इसमें से पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो मेरा यहाँ तक का वर्क क्या हो गया, कंप्लीट। तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं रिज़ल्ट। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन लगती है, कंडीशन ये लगेगी कि इफ़ डॉलर फंक्शन हम लिख लेते हैं माई एस क्यूल आई नम अंडरस्कोर रॉज होता है, नम अंडरस्कोर रॉज, सही है। तो ये हमारा जो है वो ब्लू हो गया, सही हो गया। अब होगा ये कि हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया, पूरे का पूरा टेबल में से जो हमारा ईमेल और पासवर्ड है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब कंडीशन ये हमारी बन रही है कि हमारे जो रॉज है, अब डेटाबेस के अंदर आप ये देखो, मैं इस पर दोबारा से जो है वो ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास जो है वो अभी तक यहाँ तक का 9 तक का जो है ना यूज़र का डाटा जो है वो इनपुट हुआ हुआ है। तमाम के तमाम यूज़र का जो डाटा है वो आ जाएगा, और हमारा जो टेबल का जो इंडेक्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था ना हमने, 1 2 3, ये बढ़ता जाएगा, जब भी रजिस्टर होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो कंडीशन में अब क्या चीज़ होगी हमारे पास कि यहाँ पर आ रहा होगा 1, सही है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट इसमें से पास हो रहा है। तो इफ़ की कंडीशन लगेगी, हम कहेंगे कि हमारा जो 1 है वो बड़ा है, सही है। तो बड़े के लिए फिर हम क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन नहीं लगेगा 0 से, तो हम लिख देंगे 0। तो अब ऑलरेडी जो है वो हमारे पास एक ईमेल और पासवर्ड का जो भी डाटा आ रहा है, जो हमने स्पेसिफिक डाला है, वो है 1। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 रॉ जो है वो बेसिकली क्या है, बड़ी है 0 से, कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो वो फिर इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, सही है। फिर हमारे पास हमने उस यूज़र के जो डाटा को जो है वो कॉल करवाना है एसोसिएटिव फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है माई एस क्यूल आई अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसॉक, फैच अंडरस्कोर एसॉक। हम फिर इसके अंदर जो है वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट पे जो है उसको कॉल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डॉलर रिज़ल्ट, ठीक है। और इसी में जो है वो फिर हमारा लग जाएगा डॉलर रॉ, एक वेरिएबल हम बना देंगे और उसको वैल्यू हम असाइन कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि इस यूज़र की पूरी रॉ क्रिएट हो जाए, तो उस पूरे यूज़र का जो रॉ का डाटा है वो आ जाए, और हम इसको जो है वो वाइल की कंडीशन में डाल देंगे, ठीक है। हम अगर नहीं डालें तो फिर भी जो है वो यूज़र का डाटा जो है वो आ जाएगा, लिहाजा जो है वो मेरी हैबिट है वाइल में रखने की, तो मैं इससे यूज्ड हूँ, तो इस वजह से मैंने रख दिया। वाइल नहीं भी लिखेंगे तब भी क्या आ जाएगा, उस एक यूज़र का डाटा आ जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पर जो है हम उसके टेबल के इंडेक्स नेम लिख देते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। हमारे पास एक तो ये हम वैल्यू उठा रहे हैं और एक ये उठा रहे हैं। हमने स्टेरिक नहीं लगाया ना, तो स्टेरिक में तमाम का तमाम आ जाता, उसका नेम भी आ जाता, और लिहाजा हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको सिर्फ उसका ईमेल इको करके दिखा देता हूँ। एस का हमने जो है वो कैपिटल लिख दिया, एस स्मॉल में लिखना है क्योंकि हमारा कॉलम केस सेंसिटिव है, जैसा वहाँ टेबल के अंदर होगा सिमिलर यहाँ पर कॉलम भी वैसा ही होना चाहिए। तो अब हम कर देते हैं एको, एको करके जो है वो हम इसको रिज़ल्ट को जो है वो चेक कर लेते हैं अपने पास। कंट्रोल एस सेव करवाया। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूज़र है, ये वाला यूज़र है हमारा, इस पर तो हमने अभी तक कोई वैलिडेशन नहीं लगाई हुई, इसमें तो हमारा ये वाला यूज़र का भी डाटा आ जाएगा, ये पूरा यूज़र का डाटा जो है आसानी से आ जाएगा। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, इसमें पासवर्ड मेरा नेम ही है, सही है। तो अब यहाँ पर जो है वो हम
लॉगिन वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव करवाया login.php। तो अब यहाँ पर मेरा ईमेल आ गया और पासवर्ड भी आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कर दिया सबमिट। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास वार्निंग ये आई कि इसको 31 पे जो है वो यूज़र का डेटाबेस का डाटा नहीं मिल रहा, एक्सेस डिनाई कर रहा, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। सही है, और कनेक्शन नहीं बन पा रहा तो फर्दर मोर आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले हम कनेक्शन को देख लेते हैं। mysql_connect लोकल होस्ट रूट का एक ओ ज़्यादा जो है ना वो लग गया, तो इसको हमने कर दिया सेव। और सेव करने के बाद अब करते हैं रिफ्रेश, तो अब इसको जो है वो डाटा सही मिल जाएगा। मेरा ईमेल एड्रेस जितने भी थे उसके हिसाब से जो है उसने कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने जो है वो पासवर्ड 3 में जो है वो सिमिलर रखा हुआ है, जितने में मैंने सिमिलर रखा हुआ है ना वो तमाम के तमाम वाइल की वजह से उठा के लेकर आ रहे हैं। तो मेरे पास 1 2 3 तीन में जो है ना पासवर्ड सिमिलर है और ईमेल एड्रेस सिमिलर है, तो इस वजह से जो वो मेरे पास 3 ईमेल एड्रेस कॉल करवा रहा है। अगर एक ही डला हुआ होगा, वैसे तो हम इस पर यूनिक का कॉन्स्टेंट लगा देंगे फील्ड में, तो नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। यहाँ तक जो है वो हमारा क्या हो गया, लॉगिन हो गया। सही, तो अब हमें जो है वो ईमेल तो नहीं दिखाना होता, हमने जो है वो रीडायरेक्शन लगानी है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको कमेंट, यहाँ तक हमारी वैल्यू अगर सही डलेगी तो वो साइन इन कर जाएगा। जब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जो है वो हमारे रीडायरेक्ट कर दे किसी भी दूसरे पेज पे कि आपका जो है वो यूज़र लॉगिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर दूँगा, windows.location href हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है रीडायरेक्शन। हम PHP में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं शुरू से जो है वो ये यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बार बार जो है वो आपको एरर शो कर देता है कि आप एक से ज़्यादा रीडायरेक्शन को अगर PHP में यूज़ करते हैं तो आपके पास PHP एरर जनरेट कर देती है। तो लिहाजा जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी रीडायरेक्शन होता है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। script स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज होगा, script स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा कलर इसका जो है हमारा scr होगा ना, तो आर मिस था, अब सही हो गया। windows होता है windows.location.href इज इक्वल टू, और सिंगल कोट के अंदर जो है वो आपका ये डबल कोटेशन में जो है वो आपका पेज का नेम आ जाता है और आगे लग जाता है टर्मिनेटर। तो इज इक्वल टू को कॉपी कर लेते हैं और हम रजिस्ट्रेशन के पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं अभी फ़िलहाल। तो विंडोज़ होता है या विंडो होता है, सही है, ये सही हो गया, window.location.href होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन 1 का पेज हमने जो बनाया था registration1.php का पेज, सही है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही उसको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा तो वो रीडायरेक्ट कर जाएगा रजिस्ट्रेशन के पेज पे, तो इट मीन्स दैट कि हमारा लॉगिन हो जाएगा। अगर मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा तो वैल्यू तो आ रही है, फ़ौरन रीडायरेक्ट कर जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं दोबारा से जो है वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रिमूव किया, एंटर प्रेस किया, अब सबमिट करूँगा तो अब सही जाना चाहिए, हो गया हमारा जो है रजिस्ट्रेशन 1 के पेज के ऊपर आ गया। सही है, तो रजिस्ट्रेशन में जो है हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना हुआ है, इट मीन्स दैट कि हमारा जो है वो लॉगिन कंप्लीट हो गया। सही है, तो यहाँ तक जो है वो हमारा टॉपिक रजिस्ट्रेशन का जो है, सॉरी लॉगिन का जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज अपने लेक्चर को रखूँगा, वीडियो को मैं कर रहा हूँ पॉज।